नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, और इसी पेटीकोट को मैं अपने इस लॉन्ग लहंगे के नीचे ऐड करूंगी। आप देख सकते हो ये हमारा अम्ब्रेला कट लहंगा है, और इसकी हमारी जो कमर है वो है 32। ये जो आप कमर का पोर्शन देख रहे हो ये है 32 साइज, और आप देख सकते हो ये मैंने स्टिच किया हुआ है। इसके अंदर कोई लाइनिंग का पार्ट्स नहीं है, और ये इसकी जो लेंथ है वो 40 साइज है। अगर 40 साइज लहंगे के नीचे अगर आप इनर लगाना चाहते हो तो वो आपको 38 साइज का कटिंग करना चाहिए लहंगे के रूप में, या फिर नॉर्मल जो कपड़ा आता है उसको भी आप यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पेटीकोट का पीस यूज किया है, तो ये मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है, और इसको मैं नॉर्मल आपको पेटीकोट की हम कैसे सिलाई करते हैं उसी के अकॉर्डिंग स्टिचिंग करके और उसमें ऐड करके बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, मुझे जो एक्स्ट्रा लेंथ है यहाँ पे, या फिर यूँ कहूँगी कि जो नेपा का निकालते हैं हम, वो इस तरफ जो फोल्डेड एरिया होता है ना वहाँ से निकालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो चारों ओपन है, तो यहाँ से ओपन को छोड़ करके और इसकी फुल लेंथ देखेंगे, और उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स होगा वो हम ऊपर की साइड से निकाल देंगे, जहाँ से ये फोल्डेड एरिया है वो देख रहे हैं आप। तो नीचे से हम 38 यहाँ से लेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के ये जो लेंथ है इसकी 38 पे पॉइंट लगा देंगे। ये 38 लेंथ और ये हाफ इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग का, ठीक है। इसको आप जो एक्स्ट्रा है उसको आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, और ये हमारे पेटीकोट के अंदर जो ऊपर का नेफा लगाते हैं उसमें हम इसको यूज करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी एक घड़ लगा दी, आप देख सकते हैं ये घड़ आ गई है, इसको हम कट कर लेंगे। ये मैंने नेफा पार्ट्स कट करके अलग कर लिया, ठीक है। अब कमर है कितनी, 32। पार्ट्स कितने आप देख सकते हो, चार पार्ट्स, चार फोल्डेड एरिया यहाँ पे, टू और टू, फोर, फोर इस तरफ होंगे फोर, यानी ये टोटल जो है फोर और टू, सिक्स कलियों का पेटीकोट होगा, ठीक है ना। तो सिक्स कलियों का पेटीकोट होगा, तो हमारी एक कली कितनी होगी। वैसे देखिए इसका जो, क्योंकि ये जो साइज ले रहे हैं हम ऊपर की जो कमर का पार्ट्स वो आठ होगा, तो आठ से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हम साइज लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने फाइव लिया, तो फाइव को आठ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कमर जो आएगी वो आ जाएगी 40 साइज। 40 साइज के अंदर हम स्टिचिंग लेंगे, उसकी जो प्लेट्स लगाएंगे वो 1-1 इंच की हो जाएगी, तो 8 प्लेट्स लगेगी हमारी, तो हो गए इसके अंदर से निकाल लेंगे हम 8 इंच निकाल दिए हैं, तो हो गया है 32 साइज। बिल्कुल परफेक्ट कमर आ गई हमारी। अब इसमें हमें सिलाई का एक्स्ट्रा लेना है, तो ये मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया सिलाई का। तो मैं समझती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसके 8 पार्ट्स क्योंकि है, 8 से मल्टीप्लाई क्योंकि है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 4 फोल्ड हो गया है, और ये 5.5 इंच हमने लिया है, ठीक है। इसी तरह से इसका जो ये साइड हमने इस तरफ लिया है ना, तो इसके विपरीत में ये जो कॉर्नर है ना, आप देख सकते हैं ये कॉर्नर, यहाँ से हम फिर 5.5 पे पॉइंट लगा देंगे। ये मैंने 5.5 पे पॉइंट लगा दिया है, और अब इस पॉइंट पे इस तरह से इंची टेप रख करके ये जो होगा वो तिरछी मार्किंग होगी इस तरह से, और इस जो पॉइंट में हम इसको ऐसे मिला देंगे। तो अब आप देख सकते हो कि किस तरह से एक का इस तरफ में और एक का 5.5 इंच इस तरफ में हो गया है, ठीक है। और इस तरह से पॉइंट भी मिला दिया है, 5.5 को इस 5.5 में इस तरह से मिला दिया है। अब हम इस लाइन को कट कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो मैंने कट कर लिया है। अब क्या करना है, अब ये वाला जो पार्ट्स है ना, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। जो हमने कट किया है वो पार्ट्स इसके ऊपर आ गया इस तरह से, और इस तरह से हम इसको पूरा इसके ऊपर ऐसे बराबर में रख लेंगे। अब आप देख सकते हो ये तो 4 कली है, और ये जो है वो 2 ही लेयर है, क्योंकि ये यहाँ से आप देख सकते हो फोल्डेड है, यानी जॉइंटेड है, तो ये 2 कली बड़ी हो गई है, और ये 4 जो साइड की कलियाँ हैं वो है छोटी, यानी 5.5 की होगी, और ये टोटल होगी 11 इंच की। वैसे तो इनको 4 में माना जाता है, पर ये बीच में जॉइंटेड होती है, इसको हम कट नहीं करते हैं, इसलिए ये 2 ही होती है। तो ये 2 कली हो गई है बड़ी वाली, और ये 4 कली हो गई छोटी वाली, तो टोटल हो गई 6 कली का पेटीकोट यहाँ पे कटिंग हुआ है। अब ये वाली जो लेंथ है ना, इसको हम जांचेंगे कितनी है, और इस तरफ की ये जो लेंथ है ना, इसको हम देखेंगे कि ये कितनी है। दोनों की जो ये लेंथ है ना, इस तरफ की और इस तरफ की, उसको बराबर रखना है। तो ये जो लेंथ है इस तरफ की, आप देख सकते हो ये है टोटल 38.5 इंच, ठीक है। इसी तरह से हम इस तरफ भी देख लेते हैं, अपने इंची टेप को इस तरफ से हटा करके यहाँ से देखेंगे इसको। तो अब आप देख सकते हो इस तरफ में ये जो लेंथ है वो आ रही है 39.254 है, एक्स्ट्रा आ रही है 39.5 इंच आ रही है, तो इसको हमें इतना ही रखना है, 38 प्लस हाफ इंच
इसको तो इसकी जो हमें कितना रखना है 38 + 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा है उसको हमें इस तरह से ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। तो देखिए इस तरह से इस तरफ में बिल्कुल बराबर रखना है, कुछ भी नहीं कटिंग करना है। ये जो यहाँ से एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देते हैं। तो अब हमारे पेटीकोट की टोटल जो लेंथ है वो 38 + 1/2 इस तरफ है और 38 + 1/2 इस तरफ है। दोनों तरफ में इस तरफ भी उतनी है, उस तरफ भी, दोनों तरफ बराबर लेंथ हो गई है। अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले फर्स्ट में एक कली लेंगे ये चौड़े वाली, ठीक है ना। इस पे हम 5.5 की जो कॉर्नर की कलियाँ है ना इनको रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखो ये जो किनारे की साइड है ना यहाँ पे रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर एक सिंगल कली होती है उसको हम लेंगे नेक्स्ट दूसरी साइड में, उसको हम लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, एक को इस तरफ जॉइंट करेंगे, एक को इस तरफ जॉइंट करेंगे, दोनों सिलाई निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने तीनों पार्ट्स जॉइंट के बीच में बड़ी वाली कली है और साइड में छोटी वाली कली है, तीनों को स्टिच कर लिया है। अब क्या करना है हमें, जो हमें एक कली है उसको 4 इंच की रखना है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे 2 कली है ये और ये 1 कली है। प्रत्येक कली का मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, ये 5.5 ये है सवा, यहाँ से देखते हैं ये है 5 इंच, ठीक है ना। 5 इंच है तो 2.5 को सेंटर में कर लीजिए। अब आपको 4 इंच रखनी है और यहाँ से ये सिलाई का भी छोड़ना है, ठीक है ना। तो जो भी एक्स्ट्रा है यहाँ तक उसको आपको यहाँ पे ऐड कर देना। इस तरह से एक प्लेट्स निकालनी है हमें और ये मैं निकालूंगी लगभग 4 इंच तक। तो 4 इंच तक मैंने इसको इस तरह से स्टेक निकाल दिया है और इस तरह से मैं एक ये प्लेट्स निकाल दूंगी, ठीक है ना। इसके बाद में हमारे पास कितनी रहेगी, आप देख सकते हो यहाँ से 2.25 और इस तरफ से भी 2.25 और ये चले जाएगा स्टिचिंग में। तो इसके बाद 2 इंच इस तरफ और 2 इंच इस तरफ, टोटल यानी 4 इंच की हमें ये कली रखनी है। तो ये सिलाई करके मैं दिखाती हूँ कि टोटल में हमें कैसे निकालना है। इसी तरह से दूसरी जो कली है उस पर भी मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये मैंने जैसे मिडिल सेंटर बना लिया और मिडिल सेंटर पे 4 इंच की सीधी स्ट्रेट लाइन खींचूंगी और इस पर जो भी एक्स्ट्रा है ना इसके अंदर में जो भी एक्स्ट्रा है ये हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। इसको रखना कितना है 5 इंच का, तो इसके अंदर 1/2 इंच इस तरफ में और 1/2 इंच इस तरफ में और ये वाली प्लेट्स मैं यहाँ तक लगा दूंगी। इस तरह से सारी में मैं मेजरमेंट निकाल करके और ये यहाँ से यहाँ तक की कैसे निकालनी है इसकी सिलाई, देखो मैं आपको बताती हूँ सिलाई निकालने का तरीका भी। ये जैसे इसकी जो ये वाली लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक की एक सिलाई निकाल लीजिए यहाँ तक। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी स्टिचिंग यहाँ तक ले ली है। कैसे लिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखो यहाँ तक लिया है और इसको सीधी सिलाई लेनी है, ना कि आपको इस तरह मोड़नी है यहाँ से लेकर के इस तरह से हम लगाते हैं। जितनी चौड़ाई यहाँ से 1/2 इंच की है तो 1/2 इंच के नीचे तक रखी है मैंने, ठीक है ना। तो ये चौड़ाई होगी। अब इसको क्या करना, आपको आपको इसको इस तरह से करना है और इसको इस तरह से देखिए इस तरह से ये इस तरह से इसको करके और इसको यहाँ से थोड़ा सा नाखून से कर दीजिए या फिर आप आयरन से इसको इस तरह से कर दीजिए जैसे मैंने इसको इस तरह से कर दिया है, ठीक है ना। अब आप इस तरफ से देखिए, इस तरफ से क्या होता है ये अच्छे से बहुत ही अच्छे से इसकी जो है वो फिनिशिंग यानी मतलब हाफ हाफ हो जाती है ये जो हमारी स्टिचिंग है वो, और इस तरह से हमारी जो ये सिलाई दिखती है अब ये इस तरह से दिखाई देगी। जो प्लेट्स ऊपर से हैं ऑन साइड में वो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। इसी तरह से आप देख सकते हो नेक्स्ट वाली जो प्लेट्स है वो भी मैंने इस तरह से लगा ली है और इसको भी इस तरह से हाफ हाफ में डिवाइड कर दीजिए आप। उसका जो ये मिडिल सेंटर है ना, मिडिल सेंटर को इस तरह से हाफ हाफ में ऐसे कर दीजिए। ये इस तरह से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, ये देखिए आप। और इस तरह से डिवाइड करने के बाद में और इस तरह से और ये आपको कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। तो ये बहुत ही सुंदर जो है वो यहाँ पे इसकी जो है डार्ट लग जाती है। और इसी तरह से हम सारी जो अपनी इसकी जो ये कलियाँ है ना इसको सिर्फ हम 4 इंच की रखेंगे एक कली को। तो टोटल हो गई 8, एक ये 2 बीच वाली और एक ये 4 इस पार्ट्स में हो गई। तो इसमें 4 प्लेट्स डाली, देखो 1, 2, 3 और 1 इसमें डालेंगे। तो ये 4 डार्ट्स हो जाएगी इस तरह से और इन सभी डार्ट्स को आप इस तरह से इसका जो मिडिल सेंटर बनाया फिर इसको हाफ हाफ में इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और उनकी एक अच्छे से क्रिस्प बना लेते हैं। इस तरह से इनकी जो है वो क्रिस्प बन जाती है, जो ये प्लेट्स डाली थी उसकी इस तरह से क्रीज बना लेते हैं इस तरह से और आगे से ये बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। इस तरह से ये दिखती है। तो ये दिखने में भी बहुत अच्छी होती है और ये इस तरह से बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसी तरह से दोनों पार्ट्स तैयार कर लेते हैं।
तो इसी तरह से हाँ मेरा दूसरा पार्ट्स जो है वो भी तैयार है, ठीक है ना। इसको हम ऑन साइड पे, देखिए ये ऑन साइड रखेंगे, और ये दो जो चारों प्लेट्स थी चारों पार्ट्स में 1 2 3 4, और ये हमने 4 इंच का रखा है, ये हमने 8 इंच की रखी है, और ये हमने 4 इंच की रखी है, तो टोटल हो गई 16 इंच। नीचे वाला पार्ट्स हो गया 16 इंच, टोटल हो गया 32 साइज। अब आपको इसको दोनों साइड से स्टिच कर ले, इस तरफ में लॉन्ग और इस तरफ में लॉन्ग। इस तरफ में आपको, अगर आप पेटीकोट बना रहे हो तो यहाँ से आपको 4 इंच तक जो स्टिचिंग है वो रोक देनी है, यहाँ तक लेनी है। देख सकते हैं मैंने इस तरफ की जो लॉन्ग सिलाई है वो कर ली है, यहाँ से भी पैकिंग हो गई है और यहाँ से भी पैकिंग हो गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने 4 इंच तक इसको ओपन रखा है, और ओपन रखने के बाद में इसको मैंने इस तरह से स्टिच कर दिया इसको। तो इस तरह से हमें इसकी स्टिचिंग ले लेनी है। अब हम यहाँ ऊपर की साइड के अंदर नेफा लगाने से पहले, अगर हम इसको जैसे मान लो इसको हमें इस लहंगे के नीचे लाइनिंग के रूप में लगाना हो, तो आप इसको लहंगे के अंदर डालिए और ये जो साइड ओपन है इसको किस तरह से स्टिच लेते हैं देखिए मैं बताती हूँ। नीचे से इस तरह से फोल्डेड कर लिया है, और अब इसको इसके अंदर डाल देंगे, और कमर के पार्ट्स को कमर के पार्ट्स पर लेके आएंगे, और इस तरह से इसको अटैच कर देंगे एक सिलाई से। यहाँ से जहाँ हमें ओपन रखना है ये स्टिच कर लेंगे, उसके बाद में इसको फोल्ड कर देंगे। पहले इसकी स्टिचिंग लेंगे और फिर इसके अंदर इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ये इस तरफ में फोल्ड हो जाएगा, और ये जो साइड है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, यानी इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फोल्ड होने के बाद में और ये जो कमर का पार्ट है वो कमर के साथ ऐसे अटैच हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा लाइनिंग का पार्ट्स यहाँ पे अटैच हो गया है, और इसके अंदर मैं खेन भी लगाऊंगी और भी तैयार करूंगी। तो अब मैं जो हमारी पेटीकोट के आगे की प्रोसेस है वो मैं आपको बता देती हूँ कि हम नेफा कैसे लगाएंगे और नीचे की फोल्डिंग कैसे करते हैं। नेफा कैसे लगाया जाता है, देखिए ये ऑफ साइड है और ये हमारा नेफा है। नेफे को आप सिंगल में डबल में चाहे जैसे लगा सकते हो, तो यहाँ पे मैं डबल में लगा रही हूँ। डबल लेकर के इसको इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे हाफ इंच की, ये ऑन साइड पे नहीं स्टिच ले रही हूँ मैं, आप देख सकते हो ये ऑफ साइड है, और यहाँ से हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे इस तरह से, और इस तरह से इसकी सीधी सिलाई कर लेंगे। नेफे को हमें न खींचना होता है ना ही लूज छोड़ना होता है, बिल्कुल अपने पार्ट्स के ध्यान रखें। ये जो आपकी सिलाई है ना इसको आपको इस तरह से रख के चलना है, हाफ सिलाई के इस तरफ आप देख सकते हैं ये इस तरफ हाफ फोल्डिंग है, और ये इस तरफ भी हाफ फोल्डिंग है। तो ये जो हमने यहाँ पे स्टिच किया हुआ है इस सिलाई को इस तरह से हाफ हाफ दोनों साइड में करके फिर ऊपर नेफे की स्टिचिंग लेनी है। तो इस चीज़ का नेफा लगाते समय हमें ध्यान रखना है। तो इसको मैंने इस तरह से किया है, देख सकते हैं आप, इसके हाफ सेंटर को बीच में करके, और हाफ हाफ जो स्पेस था उसको दोनों साइड में, सिलाई की दोनों साइड में इस स्पेस को कर रख लेना है, और फिर एक सीधी सिलाई निकाल लेनी है। तो हमारा नेफा यहाँ पे स्टिच हो जाता है, जो एक्स्ट्रा था मैंने उसको फोल्ड कर दिया है। अब क्या करना है देखिए, अब हमें इसको इस तरह करना है, और ये जो हमारे ऊपर का पार्ट है इसको हमें इस तरह से इसकी स्टिचिंग ले लेनी है। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत सरल है ऊपर का नेफा लगाना। अब चूंकि हमारा फोल्डेड है ये डबल है, तो इस तरह से इसको ऊपर रखेंगे और इस तरह से सीधी सिलाई हम निकाल लेंगे, तो बहुत ही आसान है ना। तो इस तरह से आप नेफे को लगाइए पेटीकोट पे, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो हमारी ये सिलाई बिल्कुल डायरेक्टली सीधी है, इसको खींचना बिल्कुल नहीं है ना ही लू छोड़ना है। जैसे नीचे है इसको इस तरह सिलाई को अंदर की तरफ किया, और इसको इस तरफ इस तरह से किया, और जो कॉर्नर होती है इस पर हम सीधी डायरेक्टली सिलाई निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो आप, ये ऑन साइड है, ऑन साइड पर हमें इसकी ऐसे सिलाई कर देनी है। तो अब आप देख सकते हो नेफे की जो सिलाई है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और हमारा जो नेफा है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से लग करके तैयार है। नेफा लगाने के बाद नीचे से हम इसको फोल्डिंग करेंगे, नीचे की साइड में आप इसको इस तरह से लीजिए,
और जितना आपको फोल्डिंग करना है उतनी आप मार्किंग कर लीजिए। तो इसकी जो भी एक्स्ट्रा इसकी जो लेंथ है वहाँ पे हम इसकी फोल्डिंग कर देंगे। तो इसकी टोटल लेंथ 41, हमें 40 रखनी है तो 1 इंच की फोल्डिंग कर दीजिए, और 39 रखनी है तो ये 2 इंच की फोल्डिंग हो जाएगी। इसके बाद 38 रखनी हो तो आपको इतनी इसकी फोल्डिंग करनी है। जितनी आपको फोल्डिंग रखनी है उतना आप इस तरह से पॉइंट लगाते जाइए ऊपर से। अब हमें जाँचना कैसे है, हमें इंची टेप को ऊपर से लगा करके नीचे तक पॉइंट लग, तो इस तरह से हम पॉइंट लगाते जाएंगे। जहाँ जहाँ पे 38 आएगा वहाँ पे हम इसको 38 रखना है तो 38 पे पॉइंट लगाएंगे, और अगर मुझे 39 रखना है तो यहाँ पे जो 1 इंच का एक्स्ट्रा है वही इतना ही फोल्ड करूँगी, क्योंकि मुझे इसको लंबाई 39 रखनी है। तो मेरी ये एक फोल्डिंग बस सिर्फ 1 इंच को मुझे जो फोल्ड करना है, हाफ इंच हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और उसके बाद हाफ इंच इसको ऐसे और फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारी 1 इंच की फोल्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे नीचे की फोल्डिंग में ये ध्यान रखना है, जैसे हम ये फोल्डिंग कर रहे हैं और ये जो सिलाई है ये इसकी जो सिलाई है यहीं पे आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। सिलाई हमारी सिलाई के अंदर ही मिलनी चाहिए, इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा हो तो उस पर आप हल्की सी मोच यानी चुन्नट डाल सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको डाल करके बताऊंगी, जैसे ये इसका मिडिल सेंटर है और ये आप देख रहे हो थोड़ी सी ये मिडिल जो सेंटर है वो आगे आ रहा है, तो हम इसके अंदर हल्का सा यहाँ पे चुन्नट लगा देंगे इस तरह से कि पता भी ना चले, और जो सेंटर है वो सेंटर में इस तरह से देखिए। अब ये जो सेंटर है आप देख सकते हो ये वाला सेंटर है, तो ये वाला सेंटर इसके अंदर इस तरह से मिलना चाहिए, तो मैंने इसको इस तरह से मिला दिया है। इसी तरह से हमें जो है पेटीकोट की फोल्डिंग करनी होती है, चाहे 1 इंच की हो, चाहे 2 इंच की हो, या फिर चाहे 3 इंच की हो, जितना भी आपका, जैसे ये मिडिल सेंटर की जो घड़ आती है तो उसको उसी में मिलाना है। जैसे सिलाई की आती है तो जब हम फोल्डिंग करते हैं नीचे की तो उसमें अगर आपको ऐसे लूजपन दिखता है, झोलसा दिखता है, तो यहाँ पे क्या करना, एक हल्की सी चुन्नट ऐसे लगा करके और इसको इस तरह से करना। देखो नीचे से भी बिल्कुल बराबर शेप दिखना चाहिए और यहाँ से बिल्कुल हल्का सा ये इस तरह से आप लगा सकते हैं, ताकि जो नीचे का एक्स्ट्रा स्पेस होता है वो कवर हो जाए। इस तरह से मैंने पूरी पेटीकोट के नीचे इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। अब ये सिलाई आप देख सकते हैं सिलाई के अंदर ही बराबर में एडजस्ट हो रही है। इसी तरह से हमें जो है ये देखिए ये वाली हल्की सी चुन्नट आती है, इस तरह की चुन्नट हमें लगानी होती है ताकि नीचे गोलाई में कुछ फर्क ना रहे, यहाँ से जो एक्स्ट्रा होता है वो यहाँ पे सेट हो जाता है। तो हमारा पेटीकोट बिल्कुल कम्प्लीटली बन करके रेडी है। तो अगर आपको हमारे ये पेटीकोट को कटिंग और स्टिचिंग का जो वीडियो है, जो सिखाने का तरीका है, पसंद आया हो तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में और एक नई कटिंग और स्टिचिंग के साथ में। आज की वीडियो में बस इतना ही, बिल्कुल अच्छे से तैयार है